हमारे छोटे दो बच्चे हैं, इसका भी 10 साल से एडमिशन है, इनकी आज एडमिशन में ही ना पास दिया है नियार में स्कूल में, कि इनको भी ले जाओ साथ में, तो बच्चे छोड़ के थोड़े हम चले जाएंगे, तो इनकी तो 1 साल की तो पढ़ाई जाएगी ना, गई ना 1 साल की पढ़ाई, तो हमारे दो बच्चे सामने ही है हमारे, इनको ही पूछो, रो रो के अभी आए हैं, बोलो अब क्या करें हम, हमें तो देश में जाना ही है। दुख तो होगा ही ना यार, नहीं होगा दुख इसमें, हम भी बाहर के नहीं इंडिया ही के हैं, कोई प्रदेश के नहीं, इंडिया तो इंडिया, ये भी इंडिया ही है, ये इंडिया नहीं है, अब यहाँ तुम्हारे बारे हमारे देश में नहीं होंगे, हम भी ऐसा दुख करेंगे तो तुम लोग क्या बोलेंगे फिर? आपको, आप थोड़ा आगे आइएगा, आपको क्या कहा गया, आपको क्या धमकाया गया और क्या कहा आपको? धमको क्या, मेरे को तो मारा है, आके बोला है चल निकलना यहाँ से फटाफट, तेरे को धंधा नहीं करने, मेरे को मारा है, धंधा नहीं करने दे रहे, रूम में आके बोल रहे हैं खाली कर देना, नहीं शाम को 9 बजे के बाद तुमको दिखाने नहीं चाहिए या ऐसा बोल रहा है, धंधा करके बंद करके सब निकाल दिया वहाँ से। हाँ अब बताओ क्या करें, घर में जाके भी मार रहे बोलो सब लोग, डर लग रहा है, डर नहीं लगेगा ना, डर लगेगा हमको, मार रहे वहाँ पे, रूम में भी खाली करा दिया वहाँ से, रूम का सामान निकाल दिया। कौन लोग थे और कौन ये थे? ठाकुर लोग है और कौन है, बच्चे है, मोटे मोटे छोटे लिए है, मार रहे है, बोल रहे हम खाली करो जहाँ से, खाली किया। कौन लोग हैं ये आपके साथ? गुजराती है और कौन है? ठाकुर लोग है। आपके साथ में जब ये मामला हुआ तो क्या आपको पुलिस आई, बातचीत करी पुलिस? पुलिस ने कुछ नहीं किया है, पुलिस आई नहीं है, कत्ते के आपको क्या कहा पुलिस ने, कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी बातचीत करने? कोई पुलिस का अधिकारी ही नहीं आया, पुलिस वाले आए थे, वो बोले चले जाओ तुम यहाँ से, पुलिस वाले बोले कि यहाँ से चले जाओ तुम। बहन जी आप से हम बात करेंगे, क्या कहा पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कुछ कहा? पुलिस वाले क्या कहते, पुलिस वाले तो जो कह रहे बहन जी अपने देश के जाओ, तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, ये तो बानर लोग है सो तो मारपीट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह पाएंगे। आप यहाँ के स्थानीय हैं और स्थानीय होने के साथ साथ आप ये लोगों में जो डर है, दहशत है, उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कल भी मैंने इस बारे में बात की थी कि ठाकुर समाज के साथ हमारी लागनी है, जो बच्ची के साथ हुआ है उसके साथ हमारी लागनी है, हमारी मांग है जो विक्टिम है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए 1 महीने में। पर मैं वापस से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो भी पर प्रांतियों के ऊपर हाथ उठा रहा है वो बंद करे, इससे हिंसा का माहौल पैदा हो रहा है। और एक बात सोचिए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ हम लोगों के ऊपर हाथ उठा लेंगे और हम हाथ मार खा के चले जाएंगे, कुछ जो लोग डर रहे हैं वो जा रहे हैं, बाकी ये सही नहीं है। मैं वापस से आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ऐसा मत करिए, विक्टिम के साथ हम भी हैं, हम चाहते हैं जिसने ये काम किया है उसको फांसी की सजा हो और वो भी 1 महीने के अंदर हो। आप तो सोच रहे होंगे ये हो वो हो, हम चाहते हैं कि फांसी हो, हर अगर आपके ही समाज में से किसी ने किया होता तो पूरा समाज का एक दूसरे को मार डालता क्या? ये गलत बात है, आप लोग ये बंद करिए और आम प्रजा को हैरान करना बंद कीजिए, जो यहाँ अपना गाँव और शहर छोड़ के बसे हुए हैं, ये लोग 40-40 साल से यहाँ बसे हुए हैं, ये यहाँ के नहीं है, वहाँ के नहीं है तो कहाँ के हैं? तो ये बात है, लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद जो है मुहैया कराई नहीं गई है और ये प्रवासी मजदूर हैं, इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। ठाकुर सेना की जो गुंडागर्दी है वो चरम सीमा पर है और ये सारे जितने प्रवासी मजदूर हैं वो गुजरात से धीमे धीमे पलायन हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश चौहान के साथ अमित राजपूत, जी मीडिया, अहमदाबाद।